दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर से न्यूजीलैंड के सामने लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन टीम के युवा बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की पारी को संभाल कर रखा है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं मयंक अग्रवाल की शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड मैच में कौन सी टीम ये श्रृंखला जीतेगी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट मुकाबले की एक जबरदस्त श्रृंखला चल रही है, जिसमें पहले मुकाबले में दोनों ही टीमों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके दिखाया था, लेकिन कोई भी टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब नहीं रही थी। लेकिन क्योंकि ये मुकाबला ड्रॉ हो गया था और दोनों ही टीमों को ड्रॉ के नतीजे से ही संतुष्ट होना पड़ा था, लेकिन इसको देखकर तो सभी खिलाड़ी काफी ज्यादा निराश हुए थे। इसीलिए अब दोनों टीमों की निगाहें दूसरे टेस्ट मुकाबले पर है, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो श्रृंखला को अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। इसलिए दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा टेस्ट मुकाबला भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि वो किसी भी हाल में न्यूजीलैंड को यह दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव तो विराट कोहली का था, जो अब टीम में अजिंक्य रहाणे की जगह वापसी कर चुके हैं। वहीं रविंद्र जडेजा की जगह जयंत यादव टीम में आ गए हैं और ईशांत शर्मा की जगह मोहम्मद सिराज। दोस्तों आपको बता दें कि इस अहम मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आखिरकार टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि मुंबई के वानखेड़े पिच बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल है। इसलिए विराट कोहली ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय टीम के बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहे। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाजी का सारा दारोमदार संभालते हुए नजर आए थे शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल। दोस्तों आपको बता दें कि मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत कुछ इस प्रकार से रही थी जैसे ये कोई T20 मुकाबला चल रहा है, क्योंकि पहले दिन के दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के जबरदस्त गेंदबाज काइली जैमिसन को आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर धुलाई कर दी थी और दूसरे ही ओवर में जबरदस्त चौके लगाकर वो ओवर में 12 रन बटोरने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 12 रन था, जिसमें 12 रन तो अकेले शुभमन गिल ने ही बनाए थे। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया था। दोस्तों मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी और इन दोनों ने 27 ओवर तक जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था, जिसमें शुभमन गिल ने तो अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने ही वाले थे, वहीं मयंक अग्रवाल भी उनके पीछे पीछे अपने अर्धशतक के ओर जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी भारतीय टीम को एक तगड़ा बड़ा झटका लग गया जब गेंदबाजी करने के लिए आए एजाज पटेल और उनकी जबरदस्त फिरकी गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के बड़े से बड़े तुर्रम खान भी घुटने टेकते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि एजाज पटेल ने आते ही बेहतरीन गेंद डालकर खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे शुभमन गिल को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया और गेंद उनके बल्ले को छूकर सीधा स्लिप में खड़े रॉस टेलर के हाथों में जाकर गिरी और इसी के साथ ही शुभमन गिल की ये शानदार पारी यहीं पर समाप्त हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि वो 44 रन की पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट गए और भारतीय टीम का स्कोर 27.3 ओवर के बाद में 1 विकेट खोकर 80 रन था। दोस्तों एजाज पटेल की खतरनाक गेंदबाजी के सामने तो चेतेश्वर पुजारा भी कुछ खास कमाल न कर सके और उनको हल्के में लेने की गलती कर बैठे। इसीलिए जब उन्होंने एजाज पटेल की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त शॉट खेलने का प्रयास किया तो वो क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट गए। वहीं दोस्तों इसी ओवर में भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरीके से झुक गया और जब एजाज पटेल ने बेहतरीन गेंद डालकर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना शिकार बनाया और विराट कोहली एक गलत निर्णय की वजह से एजाज पटेल का शिकार हो गए और वहीं बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। दोस्तों विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर के बाद में 3 विकेट खोकर 80 रन था। इसके बाद टीम की पारी को संभालने का सारा जिम्मेदारी संभाल रखी थी श्रेयस अय्यर और मयंक अग्रवाल ने, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम पर अपना दबदबा कायम रखा था। मयंक अग्रवाल लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज ही वो एक जबरदस्त शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। वहीं पिछले मैच के हीरो रहे श्रेयस अय्यर भी जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखा रहे थे, लेकिन वो भी एजाज पटेल की गेंद पर चकमा खा गए और 18 रन बनाकर उनके शिकार हो गए और उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 48 ओवर में 4 विकेट खोकर 160 रन था। दोस्तों लगातार अंतराल में विकेट पर विकेट गिरते जा रहे थे। वहीं दूसरे छोर से मयंक अग्रवाल ने पूरी तरीके से भारतीय टीम का दारोमदार अपने कंधों पर संभाल रखा था और उन्होंने इस मुकाबले की पहली पारी में 90 रन से भी अधिक का स्कोर बना लिया
था और वो अपने शतक से महज 10 रन और दूर थे। लेकिन जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो एक जबरदस्त शतकीय पारी खेलकर भारत को एक जीत की राह पर ले जाने में अहम योगदान देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम तीसरे सेशन के खत्म होने तक 180 से अधिक रन बना चुकी थी और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे अक्षर पटेल, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए प्रदर्शन करके दिखाया और वहीं रविचंद्रन अश्विन भी पूरी तरीके से भारतीय टीम को संभाल कर रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को देखकर आप सभी को क्या लगता है कि क्या न्यूजीलैंड की टीम को टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम हराकर इस टेस्ट श्रृंखला और टेस्ट मुकाबले में कब्जा कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।